टाइप्स ऑफ इनकम जो कि NTM अपने डायरेक्ट सेलर या नेटवर्कर को प्रोवाइड कराती है। पहली इनकम है डायरेक्ट रेफरल इनकम, दूसरी है बाइनरी इनकम या मैचिंग इनकम भी बोलते हैं, तीसरी है स्पिल बाइनरी इनकम, चौथी है कैशबैक इनकम, पांचवी है रिवॉर्ड इनकम या यूनिट इनकम भी बोलते हैं, और सिक्स्थ है लेवल इनकम। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट रेफरल इनकम के बारे में। नाम से ही समझ आ रहा है डायरेक्ट रेफरल इनकम, ऐसी इनकम जो कि आपको रेफर करने पे मिलती है। तो जो भी NTM के डायरेक्ट सेलर और नेटवर्कर हैं उन्हें ये इनकम किसी पर्सन को रेफर करने पे मिलती है। एक एग्जांपल से समझते हैं, तो बात करते हैं 2999 वाली ID की जो कि नियरली 3000 के करीब है। इसका 33.33% बिजनेस वॉल्यूम या प्रॉफिट कहलाएगा, मतलब कि 1000 बिजनेस वॉल्यूम। अब 1000 बिजनेस वॉल्यूम प्रॉफिट है, इसी को कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर और नेटवर्कर को प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे डायरेक्ट रेफरल इनकम 20% होगा। आई रिपीट, 20% ऑफ बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे डायरेक्ट रेफरल इनकम होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। अब समझिए, कोई NTM का डायरेक्ट सेलर और नेटवर्कर है, वो किसी पर्सन को अपने लेफ्ट पे रेफर करता है जो कि 2999 वाली ID से उस कंपनी को ज्वाइन करता है, उस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज़ करना चाहता है, और वहीं अपने राइट में वो किसी पर्सन को रेफ़र करता है और अगेन वो 2999 वाली ID से ही उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है, तो 2999 अब उसके लेफ्ट पे और 2999 उसके राइट पे, उसका 33.33% लेफ्ट पे होगा 1000 बिजनेस वॉल्यूम और राइट पे भी होगा 1000 बिजनेस वॉल्यूम। अब 1000 बिजनेस वॉल्यूम का 20%, मतलब कि उस डायरेक्ट सेलर और नेटवर्कर को अपने लेफ्ट से 200 RS आएंगे और अपने राइट से 200 RS आएंगे, मतलब कि किसी पर्सन को रेफर करने पर और 2999 वाली ID एक्टिवेट कराने पर उस डायरेक्ट सेलर और नेटवर्कर को 200 RS ऐसा डायरेक्ट रेफरल इनकम NTM द्वारा प्रोवाइड की जाती है। बात करते हैं 5999 वाली ID की जो कि नियरली 6000 के करीब है। अब 6000 का 33.33% 2000 बिजनेस वॉल्यूम होगा, मतलब प्रॉफिट होगा। अब इसी प्रॉफिट, इसी बिजनेस वॉल्यूम को कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर और नेटवर्कर को प्रोवाइड कराएगी, और जो कि होता है 20%, मैं फिर से रिपीट करूँगा, 20% ऑफ बिजनेस वॉल्यूम कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर और नेटवर्कर को प्रोवाइड कराती है। तो इस तरह कंपनी ने 20% ऑफ बिजनेस वॉल्यूम अपने नेटवर्कर और डायरेक्ट सेलर्स को प्रोवाइड करा दी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ यूँ समझिए कि NTM के डायरेक्ट सेलर और नेटवर्कर किसी पर्सन को अपने लेफ्ट में रेफर करते हैं 5999 वाली ID, तो 5999 का 33.33% 2000 बिजनेस वॉल्यूम होगा, और 2000 बिजनेस वॉल्यूम का 20% जो कि 400 RS होगा, उस नेटवर्कर, उस डायरेक्ट सेलर को कंपनी ऐसा डायरेक्ट रेफरल इनकम भेज देगी। और इसी तरह वही पर्सन अपने राइट में भी किसी पर्सन को रेफर करता है जो कि 5999 से आता है, और 5999 का 33.33% बिजनेस वॉल्यूम होगा जो कि 2000 बिजनेस वॉल्यूम होगा। अब 2000 बिजनेस वॉल्यूम या प्रॉफिट का 20%, मतलब कि 400 RS कंपनी उस डायरेक्ट सेलर और उस नेटवर्कर को प्रोवाइड करा देगी। तो कुछ इस तरह NTM अपने डायरेक्ट सेलर और नेटवर्कर को बिजनेस वॉल्यूम का 20% ऐसा डायरेक्ट रेफरल इनकम प्रोवाइड कराती है। तो बात करते हैं बाइनरी इनकम की, तो NTM अपने होल टर्नओवर के 40% ऐसा बाइनरी इनकम या मैचिंग इनकम अपने डायरेक्ट सेलर और नेटवर्कर को प्रोवाइड कराती है। अब बात करते हैं थर्ड इनकम की जो कि है स्पिल बाइनरी इनकम। जैसा कि हमें पता है कि NTM एक नेटवर्किंग कंपनी है, मतलब एक पर्सन के नीचे बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं, तो उस नेटवर्कर, उस डायरेक्ट सेलर जिसके नीचे बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं, उनके काम करने का, मतलब उनके बिजनेस वॉल्यूम का 10% कंपनी उस नेटवर्कर, उस डायरेक्ट सेलर को प्रोवाइड करा देती है। अब बात करते हैं फोर्थ इनकम की जो कि है कैशबैक इनकम, मतलब कि कोई नेटवर्कर, कोई डायरेक्ट सेलर के नीचे जो पर्सन होते हैं और वो जो स्मार्ट कार्ड पॉइंट्स होते हैं उन्हें खर्च कर रहे होते हैं, तो जितने पॉइंट्स वो खर्च करते हैं उतने पॉइंट्स का 20% उस डायरेक्ट सेलर, उस नेटवर्कर को प्रोवाइड कराती है कंपनी जो कि उनके टॉप में बैठा होता है।
तो इस तरह हमने समझ लिया कैश बैक इनकम जो कि 20% होता है उस पर्सन के नीचे काम करने वाले लोग जो पॉइंट्स खर्च करते हैं उसका 20%। अब बात करते हैं एनडीएम के फिफ्थ इनकम के बारे में जो कि है रिवॉर्ड और यूनिट इनकम। अब आप यूँ समझिए कि कोई नेटवर्कर, कोई डायरेक्ट सेलर एनडीएम का अपने लेफ्ट में 5000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट कर ले और अपने राइट में 5000 बिजनेस वॉल्यूम कर ले तो उसे एक यूनिट का अचीवर माना जाता है। इसी तरह बहुत सी यूनिट बनाई गई हैं, मैं आपको चार्ट डिस्क्राइब किए दे रहा हूँ। तो इस तरह एक यूनिट अचीवर को मतलब कि 5000 बिजनेस वॉल्यूम उसके लेफ्ट पे और राइट पे हो जाने पर 18% का एक पूल निकालती है जो कि समथिंग एक यूनिट अचीव करने पर 800 RS होगा। तो इस तरह वो 800 RS कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर और नेटवर्कर को प्रोवाइड करा देगी जो कि एक यूनिट अचीवर होगा। तो अब बात कर लेते हैं सबसे आखिरी इनकम जो कि है लेवल इनकम। तो एनडीएम के होल कंपनी के टर्नओवर का 5% होती है लेवल इनकम। तो इस तरह हमने सारी इनकम्स को ख़त्म कर लिए और हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए एनडीएम की सेवरल इनकम्स के बारे में जो कि एनडीएम अपने डायरेक्ट सेलर और नेटवर्कर को प्रोवाइड कराती है। हाँ भाई, लगा दो कुछ टोप चेक।